नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रक्षा मंत्री ने किया शौर्य स्थल का लोकार्पण, बोले वीरों के आगे झुकता है सिर। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का रंगारंग आगाज, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी, चांदी सा चमका बद्रीनाथ। गणेश गोदियाल ने बताया सरकार का फेलियर, जोशीमठ प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग। जोशीमठ ओले रोप वे खतरे में, प्लेटफॉर्म के पास आई चौड़ी दरारें। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने शौर्य स्थल का लोकार्पण किया और बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बनाए गए इस शौर्य स्थल पर प्रदेश के सभी बलिदानी सैनिकों के नाम अंकित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर में रंगारंग झांकियां निकाली गई। सांस्कृतिक दलों ने कुमाऊनी संस्कृति और सभ्यता को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया। कोरोना के कारण 2 साल बाद लगा उत्तरायणी मेला इस बार 10 दिनों तक चलेगा। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली जनपद में बर्फबारी से नजारा दिलकश बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम के परिसर समेत पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। उत्तरकाशी और टिहरी में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। जोशीमठ आपदा और लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जोशीमठ प्रभावितों को बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने पटवारी पेपर लीक प्रकरण को सरकार का फेलियर बताया। जोशीमठ में भू धंसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। भू धंसाव अब इतना बढ़ गया है कि ओली को जोड़ने वाला रोपवे भी इसकी जद में आ गया है। रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास दरारें आने से हड़कंप मचा हुआ है। इन दरारों ने चमोली जिला प्रशासन और रोपवे प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की गंगा घाटों पर भीड़ देखने को मिली। पर्व पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की तथा दान पुण्य किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक हवाला ऑपरेटर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये हवाला ऑपरेटर नेपाली मूल का नागरिक है जो दिल्ली में रहकर हवाला का काम कर रहा था। एसटीएफ की पूछताछ में मुंबई के फिल्म निर्माता सहित कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एक बार फिर सुर्खियों में है। कॉलेज के सुर्खियों में आने का कारण रैगिंग का मामला है, जिसको लेकर छात्रों ने ऑनलाइन शिकायत की है। शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यमराज का काम लोगों के प्राण हरना होता है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आजकल यमराज लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते देखा जा रहा है। देहरादून में यमराज लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले के बाद पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर सरकार का बचाव कर रहे हैं। लेकिन पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में एक बार फिर राज्य सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बाकी अपडेट्स लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।